लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण में सूबे के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान देपालपुर में चुनावी सभा लेने पहुंचे। इंदौर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी की गैर मौजूदगी में ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस ने क्या दिया है, सब तो मैंने दिया है। बिजली की व्यवस्था 24 घंटे किसने करवाई, मैंने। किसान को बोनस किसने दिया, मैंने। गरीबों को दुर्घटना हो जाने पर 4 लाख रुपये किसने दिए, मैंने। केवल कांग्रेस ने गरीबों को दिया है तो सिर्फ धोखा। कांग्रेस ने केवल अघोषित बिजली कटौती, किसानों को कर्ज माफी के नाम पर धोखा, नौजवानों को गाय भैंस चराने की ट्रेनिंग दी है, एक भी नौजवान के खाते में 1 भी रुपया नहीं आया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विश्व में अपना नाम और भारत का नाम गौरवान्वित किया है। देपालपुर से हारे हुए विधायक मनोज पटेल की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। मनोज यहाँ पर नर्मदा लाया, मनोज ने विधानसभा में सड़कों पर जाल बिछाया, डैम और पुलिया बनवाई, अब भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी को विजय बनाइए और अपने देश को अग्रसर होने पर मजबूत बनाइए। देपालपुर से विशाल की रिपोर्ट। मेरे भाई और बहन, झूठे सत्य की बात किए, राहुल गांधी आए, कमलनाथ राजा एक ही बात सब कहते थे, एक किसान भाइयों कैसे मिले, कांग्रेस की सरकार बनवा लो, 10 दिन के अंदर कर्ज माफ कर देंगे। अब 10 दिन के बजाय कितने दिन हो गए, लगभग 5 महीने हो गए। नेपाल को कई लगता मेरे बहनों भाइयों किसान भाइयों को ईमानदारी, क्या सब किसानों का कर्ज माफ हुआ? ऐसे नहीं खुदन दावा जो होता हुआ क्या? अब मैं कहता हूं कर्ज माफ करी बात, वो कहते हैं 2 घंटे नहीं कर दिया। कमलनाथ और राहुल गांधी जगह जगह आप देख रहे हो, राहुल बाबा कहते शिवराज झूठ बोल रहा है, शिवराज झूठ बोल रहा है, हमने सब तक कर्ज माफ कर दिया। वैसे ये बात सही है कि मैं मुख्यमंत्री था तब भी मेरे नाम करते थे, अब मुख्यमंत्री नहीं हूं तब भी मेरा नाम कर रहा हूं, उनको नींद नहीं आती। वो कह रहे नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं नहीं हुआ, वो कह रहे हो गया। मेरे बहनों भाई, धोखा, कपट, छल है, ठगी है। तुमने कहा किसानों का, सब किसानों का प्रदान करता हूं, आधे से ज्यादा निकाल के मेरे लिए पूरा कर रहे हैं, फसल ऋण माफ करें, और फसल ऋण के लिए चाहिए 48,000 करोड़, बैंकों को दिए 1,300 करोड़। अब पैसा ना ढेला और ये मालपुर का मेला गर्जा से माफ झूठे दिन का चाहे फर्जी, वो हमने तो सरकार के भाई के कर्जा माफ कर दिया। मेरे भाई का कर्जा है ही नहीं, राहुल बाबा कहता हूँ तो करो यार, तो बुद्धि का भी प्रयोग नहीं करते और कहते मैं झूठ बोलता हूँ। मेरे मालपुर की था कमलनाथ जी और राहुल गांधी, आपको चेतावनी देता हूं, अगर किसानों का कर्जा आपने चुनाव के बाद माफ नहीं किया तो आपकी सरकार की मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं चुपचाप नहीं बैठा। मुझे कमजोर मत समझो, दुर्लभ कर रहे हो, मैं भी ये समझो का मुख्यमंत्री तो कमजोर हो गया, इमरजेंसी में 16 साल की उम्र में जेल चला गया, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, जनता को न्याय दिलाऊंगा, पर आप भी चिंता मत करना, भाई का अभी चिंता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कितने वादे किए, कर्जा माफ को छोड़ो, मां बाप मुख्यमंत्री होगा तो 500 करोड़ सोयाबीन के डर, धान के डर, चना मसूर के मैं डालता, मक्का के डालता, उड़द मूंग के डालता, लहसुन प्याज के डालता और गेहूं 21 रुपए कुंटल खरीदता और घर में आ जाता तो 200-265 उसके भी डाल देता किसान भाई। आप बताओ किसी ने मुझसे बोनस की मांग करी, मुझे लगा कि किसान को न्याय करना है तो पैसा डालना पड़े। आज जब मैं जाता हूं गेहूं अच्छा पैदा हुआ है, सिंचाई के साधन भी गाँव ने बढ़ा दिए, कई जगह ट्रैक्टर ट्रॉली में लगते लंबी लाइन में लगी, गेहूं के ढेर में किसान बैठे बैठे मैं निकलता हूँ, कहते मामा मर गए, मामा आ जा रहे हैं, तू भी आ जा, किससे आ जा, परेशान है मैं अपना गेहूं नहीं बेच पा रहे ज्यादातर ड्राई ड्राई में, और ये कह रहे हैं पास ये बैंक बोनस का पैसा केंद्र सरकार दे देती, सफेद लू ये पैसा मैं अपने खजाने से देता था, ये केंद्र सरकार